गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं आशीष आपका स्वागत करता हूं इस ठंड भरी शाम को एक और मजेदार एपिसोड में कैच योर मैच के। जी हाँ, हर तरफ ठंड का माहौल है। इनफैक्ट साउथ इंडिया में भी बहुत ठंड पड़ने लगी है आजकल, तो हमें भी काफी अच्छा लगता है ऐसा माहौल, क्योंकि अभी शायद ये ग्लोबल वार्मिंग के कारण हमें ऐसा मौसम देखने को मिल रहा है। आज मुझे लगता है आशीष, हम स्टार्ट करते हैं एक अच्छे से जोक के साथ। हाँ, हर बार की तरह तो आज कौन सा जोक लेके आए हैं आज आप हमारे लिए? जोक मैं नहीं, आप लाए हो। ये तो जोक ही हो गया, क्योंकि जोक तो मैं भी नहीं लाया। चलिए, एक बार क्या होता है, मतलब नोक झोक शादियों में चलती रहती है, तो एक बार क्या होता है कि कुछ मन मुटाव होता है, कुछ झगड़ा होता है, और पति जो है अपनी पत्नी को एक चांटा लगा देते हैं, और पत्नी जी नाराज हो जाती हैं, जैसे कि उन्हें होना भी चाहिए। तो बहुत मनाने पर जब वो नहीं मानती हैं, तो पति उन्हें कहते हैं कि देखो, इंसान जिससे प्यार करता है, बहुत प्यार करता है, उसी पे ही उसी को ही चांटा लगा सकता है। तो पत्नी सुनती है इस बात को और घूम के एकदम दो चांटे लगाती है अपने पति को और कहती है, तो तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे प्यार नहीं करती? सही तो है। मुझे लगता है तरीका है प्यार का इजहार करने का। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो आशीष के इसी जोक के साथ अब हम सीधे शुरू करते हैं प्रोफाइल को रीड करना। पहले प्रोफाइल हम लेके आए हैं आज एक मेल की, जिनकी एज है 39 इयर्स। इनका डेट ऑफ बर्थ है 24 मई 1975। 5 फीट 4 इंच इनकी हाइट है और ये हिंदू रिलीजन में अरोड़ा कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं। मैरिटल स्टेटस इनका नेवर मैरिड है जी, उत्तर प्रदेश स्टेट को बिलोंग करते हैं, और इनका सिटी जो है वो है सहारनपुर। स्किन टोन इनका है व्हीटिश, यानी कि गेहुआ कलर इनका है जी, और इनका जो बॉडी वेट है वो 57 kgs है, यानी कि ये बिल्कुल स्लिम है। लेस देन 70% इनकी डिसेबिलिटी है। ये कम्युनिटी जो अपनी कास्ट लिखते हैं वो चावला लिखते हैं, और जो इनकी मदर टंग है वो है हिंदी। इन्होंने कॉमर्स में बैचलर्स किया है जी, और प्राइवेट जॉब करते हैं, और एनुअल इनकम है करीब 2 लाख रुपए। तो फ्रेंड्स, ये तो हो गई इनकी खुद की प्रोफाइल, अब हम देखते हैं कि ये अपने पार्टनर में क्या चाहते हैं। जी, जो एज ग्रुप इन्होंने दिया है वो दिया है 25 से 42, इसके बीच के एज ग्रुप में ये अपने जीवन साथी को ढूंढ रहे हैं। अगर हम स्किन को और हाइट को देखें तो इन्होंने कुछ मेंशन नहीं किया, लेकिन ये चाहते हैं कि लड़की स्लिम हो जी, क्योंकि ये खुद भी अपने मीनल जी, अगर आपको याद हो तो ये खुद भी काफी दुबले पतले हैं। तो दैट इज द रिक्वायरमेंट जी। हाँ, बाकी इन्होंने बोला है कि अगर उनकी जो डिसेबिलिटी है वो लेस देन 70% हो तो ही इज ओके विद दैट। हाँ, और इन्होंने मेंशन किया है कि फिजिकली हैंडीकैप अगर होगी तो इनको चलेगा जी। बाकी इन्होंने कोई भी स्पेसिफिक क्राइटेरिया हमारे साथ शेयर नहीं किया है, चाहे वो रंग को लेके हो या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को लेके हो या कोई भी और जो फैक्टर्स होते हैं, हाइट हो, तो ही इज प्रीटी फ्लेक्सिबल विद दैट। हाँ, ये तो है, बस चाहते हैं कि हिंदू रिलीजन से हो, और अगर अरोरा कम्युनिटी से होंगी तो ज्यादा बेटर है, बाकी तो उन्होंने कोई पर्टिकुलर डिमांड नहीं की। जी बिल्कुल, क्योंकि ये खुद नॉर्थ इंडिया से हैं और सहारनपुर को बिलोंग करते हैं, तो हिंदी जरूर बोलते हैं, तो बस एक हिंदी बोलने की रिक्वायरमेंट इन्होंने दी है। तो बहुत ही फ्लेक्सिबल हैं, बहुत ही ओपन माइंडेड हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है। अब एक जल्दी से नजर मारते हैं इनकी जोडियाक साइन पे, मीनल जी, इनके बर्थडे के हिसाब से जो इनका जोडियाक है। इनके बर्थडे के हिसाब से इनका जोडियाक आएगा मिथुन, यानी कि जेमिनी। ये जोडियाक हमने पहले नहीं पढ़ा है, जेमिनी या जेमिनी जिसको कहते हैं,
इनका जो सिंबल है वो है ट्विन्स, यानी जिनको हम जुड़वा कहते हैं। तो ये इस जोडियाक का सिंबल है, बहुत ही अनोखा सा सिंबल है। ये कंट्रास्ट को सिग्निफाई करता है ये सिंबल। और कहते हैं कि इस राशि के लोग जो होते हैं इंटेलिजेंट तो होते हैं, लेकिन क्विक डिसीजन भी लेने में मतलब माहिर होते हैं। जी, बहुत इंक्विजिटिव होते हैं और ये दोनों पहलू देखते हैं इस चीज का। जैसे कि मैंने इनका बताया कि इनका जो सिंबल भी है वो भी ट्विन्स है, तो कम्युनिकेशन में बहुत स्ट्रांग होते हैं, पर ऐसा है कि किसी भी साइड के दोनों पहलू देखते हैं, सिक्के के दोनों पहलू देखते हैं इससे पहले कि कुछ डिसीजन लें। और ये लोग दूसरों से भी बहुत जल्दी इंस्पायर हो जाते हैं और काफी सपोर्टिव भी होते हैं ये लोग। अगर कोई टफ सिचुएशन अगर इनके सामने आ जाए तो बहुत जल्दी से हार्ड एंड सोर कोई टफ डिसीजन भी अगर इन्हें लेना पड़े तो ये ले लेते हैं शांति से बिल्कुल। जी, बहुत ही फ्लेक्सिबल, बहुत ही अडेप्टेबल, अपने आप को किसी भी सिचुएशन में ढाल लेते हैं और उससे बहुत ही आराम से बाहर भी निकल जाते हैं। वेल, ये तो हो गई इनकी जॉडिक साइन से इनकी नेचर, जो कि हम अंदाजा लगा सकते हैं सिर्फ कि शायद इनकी नेचर ऐसी होगी। अब हम एक ले लेते हैं छोटा सा लुक इनकी प्रोफाइल को दोबारा। जी, एक फटाफट से रिकैप कर देते हैं। इनकी जो एज है वो है 39 इयर्स ऑफ एज। उत्तर प्रदेश में सहारनपुर को बिलोंग करते हैं ये। बैचलर्स ऑफ कॉमर्स इन्होंने की हुई है। इनकी जो सैलरी है वो 2 लाख के करीब है। अपने पार्टनर में इन्होंने जो हमें प्रेफरेंस दी है वो सिर्फ और सिर्फ इतनी दी है कि उन्हें हिंदी बोलनी आनी चाहिए और अगर उनका बॉडी टाइप स्लिम हो तो वो प्रेफरेबल होगा। जो लड़की है 25 से 42 इयर्स तक हो सकती है। बाकी स्किन के लिए या बॉडी के लिए या किसी भी अदर मतलब एजुकेशन को वगैरह को लेकर इन्होंने कोई खास डिमांड नहीं की है। बस चाहते हैं कि अगर अरोरा कम्युनिटी बिलोंग करे और उसे हिंदी आनी चाहिए, बस इतना इन्होंने अपने पार्टनर पेपर्स में बताया है हमें। तो ये तो हुई आज की हमारी पहली प्रोफाइल मीनल जी। अब आप हमारे को क्या बताने वाली है? अब हम बताते हैं 2015 अगली राशि के लिए कैसे होगा। अगली राशि यानी कि हमने लास्ट शो में कन्या राशि पे खत्म किया था, तो अब हम देखते हैं कि अगली राशि क्या आती है और उनका 2015 कैसे होगा। जी, जो अगली राशि हमारे पास अब है कन्या राशि के बाद वो है लिब्रा। लिब्रा यानी तुला राशि। इनके लिए जो नया साल है बिल्कुल प्रॉब्लम फ्री होने वाला है। इनकी प्लैनेटरी पोजीशंस ऐसी हैं कि अगला साल वुड बी अ कंप्लीट स्मूथ सेलिंग। अगर हम फैमिली को देखें तो कहते हैं कि इनकी फैमिली में थोड़ी बहुत छोटी मोटी प्रॉब्लम आएगी तो सही, लेकिन ये उनको काफी स्मूथली मैनेज कर लेंगे। तो अगर प्रॉपर्टी को लेके कोई आपको फैमिली में इश्यू चल रहा है तो आपको बिगिनिंग के 6 महीने में वो प्रॉब्लम सॉल्व होने की पूरी संभावना बताई गई है। जी, आपके सामने कुछ डिसीजन आएंगे जो आपको लेने होंगे। अब आपके पास चॉइस रहेगी कि आप आसान रास्ता लेना चाहते हैं या सही रास्ता लेना चाहते हैं। तो ऐसे कुछ डिसीजन लेने की सिचुएशंस आपके सामने अगले साल में आ सकती हैं। तो जस्ट मेक श्योर दैट यू मेक द राइट चॉइस। हेल्थ को अगर हम देखते हैं तो सभी के लिए एक बात तो बताई गई है कि भाई अपने खाने पीने का स्पेशली ध्यान रखें। और मे बी ये आजकल हो भी रहा है कि हर जगह हाइब्रिड खाना मिलता है तो इसलिए स्वाद नॉर्मल अप एंड डाउन होते रहता है, लेकिन बाकी कोई मेजर प्रॉब्लम आपको आएगी इस साल में ऐसे हमारे पंडित ने नहीं मेंशन किया। बिल्कुल हेल्थ फ्री आपका ये साल जाने वाला है। जी, थोड़ी सी इम्पेशेंस हो सकती है आपके आसपास, पर आप उसको आई एम श्योर हैंडल कर लेंगे। वो इतना माइनर होगा कि आप अपने डिसीजन मेकिंग से उसको बहुत आसानी से हैंडल कर लेंगे। कहते हैं कि लव लाइफ में कोई खास मेजर डिफरेंस आएगा ऐसे नहीं लगता है, लेकिन फिर भी अगर आपके कोई करीबी रिलेशन में या आपके जीवन साथी के रिलेशन में आपको कुछ थोड़ी बहुत नोकझोंक बनी रहेगी, लेकिन वो भी इन्होंने कहा है कि आप अपनी समझदारी से हैंडल कर लेंगे, तो आपको इस बारे में भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है।
ये तो अच्छा है मीना जी, जैसे हमने शुरू में ही बताया नोक झोंक तो चलती रहती है। तो अगर हम फाइनेंशियली देखें या आपके बिजनेस या जॉब को लेके देखें आशीष, तो कहते हैं कि अगर आप कोई नया बिजनेस या कोई नई जॉब में जाना चाहते हैं, तो आप मतलब जो बिजनेस आप शुरू करना चाहते हैं, तो पहले एक बार एक्सपर्ट से सलाह कर लें, उसके बाद ही कोई बिजनेस या जॉब में इन्वॉल्व होने का सोचें। और अगर पढ़ाई के लिए सोचें या कहें, तो पढ़ाई के लिए कहा जाता है कि आपको बिगिनिंग के जो 6 महीने हैं उसमें काफ़ी अपॉर्चुनिटी है। तो अगर आप कोई बड़ा कदम उठाना चाहते हैं स्टडी को लेके, तो बिगिनिंग के 6 महीने में आप इजीली उठा सकते हो। तो अगर हम पूरा कैलकुलेट करें, तो पूरा साल आपके लिए एवरेज रहेगा, बिल्कुल ठीक ठाक रहेगा, मतलब हेल्थ को लेके, फैमिली को लेके और फाइनेंशियली एजुकेशन सब मिला के। जी, जैसे हमने पहले भी कहा कि बिल्कुल स्मूथ रहेगा आपके लिए ये साल, ना ज्यादा उतार ना ज्यादा चढ़ाव, बिल्कुल स्मूथ सेलिंग हो जाएगी। तो ये था आज का पहला राशिफल और आज की पहली प्रोफाइल। तो अब टाइम हो चला है एक छोटी सी ब्रेक का मिनल जी। जी हाँ बिल्कुल, ब्रेक पे जाने से पहले एक छोटा सा उपाय मैं बता देना चाहती हूँ लिसनर्स को, तुला राशि वालों को, कि अगर हो सके, आप मंदिर तो सभी जाते हैं, शिव जी के दर्शन करने के लिए कहा गया है, तो अगर आप वो करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा और बेहतरीन बन सकता है 2015। तो चलिए अब हम आते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। Don't forget to tune into Radio Udaan to listen to World Delivery, a bomb on the globe. वेलकम फ्रेंड्स, एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने शो में जिसका नाम है कैच योर मैच। और मैं थैंक यू करना चाहूंगी सभी लिसनर्स का जिन्होंने हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया है, प्रोफाइल के बारे में लो तो भी, या फिर जो हम ये बता रहे हैं राशिफल इस बारे में भी। तो थैंक यू लिसनर्स, थैंक यू सो मच। लेकिन फिर भी मैं क्लियर कर दूं कि यहाँ पर हम भविष्य नहीं बता रहे हैं, हम सिर्फ आपको एक व्यू, एक हिंट दे रहे हैं कि 2015 में आपके साथ ये हो सकता है, ऐसे हमने हमारे मतलब जो भी एस्ट्रोलॉजी है उन्होंने बताया, तो हम वो बता रहे हैं बस। तो आप इतना मतलब श्योरली होके मत चलिएगा, बस आप काम करते रहिएगा, आपको सक्सेस हमेशा मिलती रहेगी आगे। जी बिल्कुल मीनल जी, क्योंकि जैसे कहते हैं कि कर्म का फल तो तुम्हारे को मिलेगा ही मिलेगा, तो बस आप अपना काम करते रहें तो बाकी रिजल्ट्स छोड़ने, रिजल्ट्स तो आ ही जाएंगे। बाकी जो हम आपको बता रहे हैं वो जैसे मीनल जी ने कहा कि ये तो जो हमारे एस्ट्रोलॉजर हैं उन्होंने जो भी बेसिक राशियों के हिसाब से बताया है वो हम आपको बता रहे हैं, विच इज अ रफ आइडिया एंड लिटिल बिट ऑफ फन। तो जब हम फन की बात कर रहे हैं मीनल जी, तो मैं आपको एक फन फैक्ट बताऊं। आज हमने कोई भी फन फैक्ट शेयर नहीं किया है, तो ये फन फैक्ट हमारे पास है जर्मनी से, जहां पे शादी के पहले दिन जो वाइफ होती है, जो ब्राइड होती है, उसको लोग किडनैप कर लेते हैं। किडनैप कर लेते हैं मतलब? मतलब जो ब्राइड के दोस्त, जो ग्रूम के दोस्त होते हैं, यानी जो लड़के के दोस्त होते हैं, वो ब्राइड को किडनैप कर लेते हैं और फिर उसको अपनी ब्राइड को वापस छुड़वाने के लिए उन सबको ड्रिंक्स देने पड़ते हैं। तो वो किसी भी लोकल पब में जाके अपने दोस्तों को एक एक ड्रिंक अपनी तरफ से दिला के उस खोज में शामिल कर सकता है उसकी ब्राइड को ढूंढने के। तो ये एक बहुत ही मजेदार सी गेम है जो ये लोग खेलते हैं। जिस तरह से इंडिया में होते हैं, इंडिया में जूते किडनैप कर लेते हैं वहां जूते होते हैं या तो पूरी की पूरी वाइफ ही उड़ा के ले जाते हैं उसकी खैर अच्छी बात है, हर जगह के अपना अपना एक कॉन्सेप्ट होता है, बट एंजॉयमेंट हर जगह अपने मतलब किसी भी तरीके से करो, एंजॉय हर देश में लोग करते ही करते हैं। शादियों को तो खासकर, शादियों से तो बहुत सारी एंजॉयमेंट लिंक्ड है मेरे ख्याल से, सभी सभी धर्मों में, सभी कल्चर्स में शादी को बहुत इंजॉय किया जाता है। जी, बहुत सारी यादें भी जुड़ जाती हैं, हम कहीं भी जाते हैं शादियों में तो,
ऐसे याद भी करते हैं काफी टाइम तक कि यार हमने उस शादी में ये किया था। एक बार हमारे पास हुआ था कि जब रात को सो रहे होते हैं तो फिर सभी लोगों ने ना किसी को लिपस्टिक लगा दी, किसी को एक दूसरे से बांध दिया, तो काफी तरीके का फन मजाक भी चलते रहता है शादी में, तो बहुत मेमोरेबल मोमेंट ये होते हैं। तो मीनल जी पढ़ें अब अपना अगला ज़ोडियक। ओ हाँ जरूर पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ने से मुझे एक बात याद आई जो कि मैं आपके साथ और हमारे लिसनर्स के साथ शेयर करना चाहूंगी। अब वो देख क्या हुआ था, एक बार एक हस्बैंड वाइफ का लड़ाई चल रहा था काफी, तो वो पत्नी दुखी हो गई, पति दुखी हो गए थे और बोलते यार मैं तेरे पैर पड़ता हूँ तो अब बंद कर दे लड़ाई झगड़ा करना। तो पत्नी पढ़ के बोलती है आप पढ़ोगे क्या, मेरे पैरों पे तो कुछ भी नहीं लिखा है। हम इसको पीजे कहते हैं मीनल जी, ये तो बहुत ही बड़ा पीजे था। पर काफी अच्छी बात है क्योंकि अक्सर हम बोलते हैं हर लैंग्वेज में हर रिलीजन में ये चीज तो यूज की ही जाती है कि भाई हम आपके पैर पड़ते हैं या पैर ही पहना ले लो। लोग भी कहाँ कहाँ अपना दिमाग लगाते हैं। और मजे की बात है मीनल जी, अब तो ना आजकल वायरलेस का जमाना है पंजाब में, तो हम ज्यादातर अगर आप देखेंगे हमारे बहुत कॉमन है ये पैरों को हाथ लगाना, तो हम कहते हैं पैरी पहना इस चीज को, पर हम पहुंचते सिर्फ घुटने तक ही हैं, पूरा झुकते भी नहीं है, सिर्फ घुटने तक ही जाते कह देते हैं पैरी पहना। यही बताना नहीं थी कि हमारे यहाँ पहले सीधा ना झुक के पैर छूते थे, अभी हो गया कि घुटने तक भी छूते हैं, आजकल तो हो गया सीधा ही मुंह से बोलते हैं दूर से ही पैरी पहना, पैर पड़ता हूँ, दूर से ही बोलेंगे, अब तो आजकल घुटने तक भी रही नहीं बात। देखिए अब सबकी कमर ऐसी हो गई है, हमें एक्सरसाइज करने की आदत नहीं रही है, तो अब तो वायरलेस का जमाना है तो दूर से ही बोल के काम चल जाता है। जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल वायरलेस ही हो गया ये। फिर अब हम बढ़ते हैं आगे ज़ोडियाक साइन की तरफ। जी चलिए बढ़ते हैं अब अपने अगले ज़ोडियाक की तरफ जो की है स्कॉर्पियो। तो मीनल जी कैसा कर रहे हैं आप स्कॉर्पियो वालों का अगला साल? आशीष जैसे कि सभी राशि के लिए बहुत बेहतरीन ये साल रहेगा, तो वृश्चिक राशि भी दूर कैसे रह सकती है, तो ऑफ कोर्स स्कॉर्पियो वालों के लिए भी काफी बेहतरीन ये साल जाने वाला है। स्पेशली फैमिली के लिए काफी अच्छा बताया गया है कि काफी अच्छा इनका फैमिली रिलेशंस रहेंगे सभी के साथ। जी बहुत ही एम्बिशियस गोल्स आप सेट करेंगे, बहुत ही एम्बिशियस आपके गोल्स जो हैं वो सेट होंगे अगले साल में, तो इसके कारण हो सकता है कि थोड़े बिजी रहें आप अपने काम के मामलों में, तो बस अगर काम पे ज्यादा ध्यान देंगे तो थोड़ा थोड़ा टाइम अपनी फैमिली की तरफ भी देते रहिएगा। जैसे कि मैं बात कर रही थी फैमिली को लेके, तो कहते हैं कि फैमिली में काफी मांगलिक कार्य होने की संभावना है, बच्चों को लेके भी आपको काफी खुशखबरियां मिलने की बहुत ज्यादा संभावना है, और हेल्थ को देखते हैं तो हेल्थ भी आपकी काफी अच्छी रहेगी, और अगर आपको कोई पुरानी बीमारी है वो आपके अगले आने वाले 6 महीने में, मतलब पहले नहीं लास्ट के 6 महीने में वो बीमारी भी सॉर्ट आउट होने की पूरी संभावना है। जी जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि नए प्रोजेक्ट्स आपके सामने आएंगे, बहुत सारा काम आएगा, तो जस्ट मेक श्योर कि आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, थोड़ा थोड़ा टाइम ऑफ लेते रहें अपने फैमिली अपने फ्रेंड्स के साथ और ज्यादा टाइम बिताएं, उसको आप ज्यादा एंजॉय करेंगे। जैसे ही आप नए साल में एंटर करोगे तो आपको एक नया अफेयर होने की बहुत ज्यादा संभावना है, आपके प्रेम रिलेशन काफी इम्प्रूव होने की संभावना है अपने हस्बैंड से अपने वाइफ से। अगर देखते हैं तो लव लाइफ काफी बेटर बताई गई है, मतलब अगर आपकी पहले से कोई उलझन वगैरह चल रही थी तो इस साल बहुत सॉर्ट आउट होने की पूरी संभावना है। जिन जो सगाई के लिए वेट कर रहे हैं उनकी सगाई भी होने की इस बार चांसेस हैं। अरे वाह, पर इस सब के लिए जेब में पैसा होगा कि नहीं मीनल जी, फाइनेंशियल कंडीशन कैसी रहेगी? तो ऐसे भी कहते हैं आशीष कि साल के जो अगले 6 महीने होते हैं मतलब जून के बाद के, उस वक्त आपको बिजनेस में काफी प्रमोशन होने के चांसेस हैं, तो उसके कारण में भी आप अपने फैमिली को थोड़ा टाइम कम दे सकते हो, लेकिन फिर भी आर्थिक अगर हम स्थिति को देखें तो काफी बेहतरीन होने की संभावना है आपकी। अरे वाह, तो ये था स्कॉर्पियो राशि वालों का अगला साल 2015 कैसा होने वाला है। अब चलते हैं आज की हमारी सेकंड प्रोफाइल की ओर। जी हाँ बिल्कुल, तो इसके पहले कि हम अगली प्रोफाइल पे जाएं, एक छोटा सा उपाय बताना चाहूंगी मैं स्कॉर्पियो राशि वालों के लिए कि कहते हैं कि अगर आप नॉनवेज खाते हो या ड्रिंक वगैरह करते हो तो कोशिश करिए कि इस साल थोड़ा कम करें,
तो ये एक छोटा सा उपाय है, इसके कारण आपका साल और बेहतरीन होने की संभावना है। अच्छा, मैं तो बट मीनल जी सिर्फ पानी पीता हूँ, तो मुझे पानी भी कम पीना पड़ेगा। वैसे ये मेरी राशि नहीं है तो मैं शायद बच जाऊंगा, मैं पानी पी सकता हूँ। जी हाँ, वैसे पानी वेज नॉन वेज दोनों भी पीते हैं। वेल अब हम आगे बढ़ते हैं प्रोफाइल की तरफ। आज हम लाए हैं जो प्रोफाइल एक मेल की है, जिनकी एज है 25 ईयर्स। जी, इनके जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 5 जून 1989। रिलीजन है इनका मुस्लिम। हाइट 5 फीट 2 इंचेस। मैरिटल स्टेटस जो इनका है वो है नेवर मैरिड। जी, आंध्र प्रदेश को बिलोंग करते हैं ये। सिटी जो इन्होंने बताई है वो है अनंतपुर। जी, स्किन टोन इनकी फेयर है और बॉडी टाइप एवरेज। 60 केजी इन्होंने अपना बॉडी वेट बताया है और कहते हैं कि इनका जो पालन पोषण है वो हिंदुस्तान में ही हुआ है। जी, जो इनकी विजुअल इम्पेयरमेंट है वो लेस देन 70% है। जो इनकी मदर टंग है वो है तेलुगु। इनकी जो एजुकेशन है वो है कंप्यूटर डिप्लोमा एंड अभी ये गवर्नमेंट जॉब में है। 4 लाख इन्होंने अपनी एनुअल इनकम बताई है। जी, तो ये तो हुई इनकी प्रोफाइल और इनके बारे में कुछ जानकारी। अब देखते हैं कि इनकी पार्टनर प्रेफरेंस क्या है। अपने पार्टनर के लिए जो इन्होंने एज बताई है वो है 18 to 26। जी, जो हाइट इन्होंने बताई है वो भी वही 5 फीट से 5 फीट 2 इंचेस के बीच में बताई है। मैरिटल स्टेटस में इन्होंने कहा है कि नेवर मैरिड होनी चाहिए लड़की। जी, स्किन टोन में फेयर और बॉडी टाइप में एवरेज इन्होंने मेंशन किया है। लेस देन 60% जिनकी डिसेबिलिटी होगी वो कोई भी डिसेबिलिटी होगी, मतलब फिजिकली या विजुअली इम्पेयर इनको चलेगी। इन्होंने मेंशन नहीं किया डिसेबिलिटी का, लेकिन बस लेस देन 60% डिसेबिलिटी होनी चाहिए। इन्होंने ये भी मेंशन किया है कि अगर वो गवर्नमेंट जॉब करती हो तो अच्छा होगा, हालांकि एजुकेशन में कोई ऐसी प्रेफरेंस नहीं है कि उन्होंने किस चीज में एजुकेशन हासिल की हो। बॉडी में ये चाहते हैं कि 50 to 60 केजी के अंदर होनी चाहिए लड़की, यानी कि एवरेज लड़की की ये डिमांड कर रहे थे। जी, जो रिलीजन इन्होंने मेंशन किया है वो किया है मुस्लिम। और आशीष, एक बात आपने नोटिस की, इनकी खुद की मदर टंग है तेलुगु, लेकिन इन्होंने प्रेफर किया है कि लड़की की मदर टंग से उर्दू। जी, मैंने भी ये नोटिस किया, तो इसका मतलब है कि ये तेलुगु के साथ साथ उर्दू भी बोलते होंगे मीनल जी, तभी इन्होंने ये मेंशन किया है कि अगर जो इनकी पार्टनर है वो उर्दू भी बोलती हो तो भी चलेगा। दिस डज नॉट मीन कि अगर वो तेलुगु बोलती है तो वो नहीं चलेगा। आई थिंक उन्होंने एक और ऑप्शन दे दी है कि उर्दू बोलने वाली पार्टनर भी इज प्रेफरेबल टू हिम। जी हाँ, चलो बहुत अच्छी बात है ये तो, कि यहाँ पर लैंग्वेज का कोई ज्यादा मैटर नहीं करता, चाहे वो लड़की हिंदी हो या हिंदी बोलती हो या तेलुगु या फिर उर्दू। जी, तो ये थी आज की हमारी दूसरी प्रोफाइल, जो कि थी आपकी अपनी स्टेट आंध्र प्रदेश से, अब तो शायद तेलंगाना हो गया होगा, मुझे मालूम नहीं है, तेलंगाना या सीमांध्रा। जी हाँ, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और बताते हैं कि धनु राशि का 2015 कैसा रहेगा। धनु, धनु यानी सैजिटेरियस। जी, सैजिटेरियस कहते हैं कि अगर आप फैमिली रिलेशन में देखो तो ओके ओके रहेगा, न ज्यादा अच्छा न ज्यादा खराब। एक सजेशन आपको दिया है कि आपको थोड़ी समझदारी से यहाँ पर काम लेना पड़ेगा, बिल्कुल शांति के साथ। आप देखेंगे कि आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा होगा इस साल में, आपका जो कॉन्फिडेंस है वो पहले से ज्यादा होगा और जो आपका अगला साल है वो इस साल से बेहतर होगा, ये जरूर मेंशन किया है उन्होंने। अगर हेल्थ को देखते हैं तो आपको जो एनर्जी होती है वो थोड़ी थोड़ी इम्प्रूव होने की चांसेस है, मतलब अगर आप थोड़ी सी वीक महसूस कर रहे हैं तो इस साल आपके हेल्थ के लिए काफी एनर्जेटिक हो सकता है। जी, पर उन्होंने एक जरूर चीज मेंशन की है कि अपने आइडियाज को प्रायोरिटाइज जरूर कीजिए, प्लान्स बनाइए कि आपने क्या करना है। प्लानिंग के साथ चलेंगे तो अगला साल बहुत ही अच्छा होगा आपके लिए, पर आपको बैठ के थोड़ी प्लानिंग करनी पड़ेगी इससे पहले कि आप एक्शन करने लगे। कहते हैं कि अगर आप ज्यादा काम करना चाहते हैं, अगर आप अपने बिजनेस को डेवलप करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन आपको छोटे से छोटे काम के लिए भी काफी सोच समझ के कदम उठाने पड़ेंगे। ऐसे नहीं कि आप चलो शुरू करना और शुरू कर दिया,
बिल्कुल सोच समझ के आप काम शुरू कीजिए, आपको कामयाबी मिल जाएगी। जी जैसा कि मैंने कहा कि प्लानिंग थोड़ी सी तो करनी पड़ेगी जी। बाकी साल का खत्म होते होते यानी 2015 खत्म होते होते आप देखेंगे कि साल बहुत ही बढ़िया हो जाएगा आपके लिए, थोड़ा लकी हो जाएगा और कुछ सरप्राइजेस भी लेके आएगा जो कि अच्छे सरप्राइजेस होंगे आपके लिए। और एजुकेशन फील्ड में अगर हम देखते हैं तो कहते हैं कि इस बार स्टूडेंट को थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तो ऑल दी बेस्ट। वैसे हर साल ही मैं देखती हूँ कि सभी स्टूडेंट को बहुत मेहनत करनी ही पड़ती है हर साल ही। पर ध्यान रखें कि अगर आप थोड़ा सा चैरिटी और सोशल वर्क की तरफ भी ध्यान देंगे अगले साल में तो अच्छा होगा। तो ये तो था सैजिटेरियंस का अगला साल की 2015 सैजिटेरियंस का कैसे होने वाला है। तो मीनल जी, अब आज हमारे को ये एपिसोड करते हुए और ये सीरीज करते हुए कैच योर मैच करते हुए 3 हफ्ते हो गए हैं, तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि काफी रिस्पॉन्स आ रहा है शो को लेकर लिसंस का, और लोग काफी डिमांड भी कर रहे हैं, और उनकी सुविधा के लिए हमने इन शो को यूट्यूब पे अपलोड भी कर दिया है, तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी लिसनर्स। अगर आपको भी दोबारा ये सुनना है वैसे आप आर्काइव मांग सकते हैं हमारे वेबसाइट पे जाके, लेकिन यूट्यूब पे भी आप जाके कैच योर मैच सर्च करिए, आपको वहां से भी सुनने को मिल जाएगा जी। अगर आप यूट्यूब पे जाएंगे तो हमारा जो चैनल है वहां पे रेडियो उड़ान का जो चैनल है आप उसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ताकि जितने भी हमारे डिबेट्स होते हैं, शोज होते हैं, उनको आप अपनी मन मर्जी के टाइम पे कभी भी जाके यूट्यूब से सुन सकते हैं और अपने दोस्तों को भी सुना सकते हैं। बाकी अगर जितनी भी प्रोफाइल्स हमने पढ़ी पिछले 3 हफ्तों में, अगर उनमें से आपको कोई भी पसंद आती है तो आपको मालूम है कि आप हमें mail@radioudaan.com पे या info@disabledmatrimonial.com पे मेल लिखकर कॉन्टैक्ट कर उनके बारे में ज्यादा जानकारी ले सकते हैं, या अपनी प्रोफाइल disabledmatrimonial.com पर डाल भी सकते हैं। तो चलिए इसी इंफॉर्मेशन के साथ अब टाइम होता है हमारा एक छोटा सा ब्रेक लेने का। जी मीनल जी, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक लिसनर्स आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट ब्रेक। तो मीनल जी, एक जोक हो जाए। एक बार क्या होता है कि एक पति खाना खाने बैठे होते हैं और पत्नी रोटी लाके देती है, तो पति उसको कहते हैं आजकल तो तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत हो गई हो। तो पत्नी कहती है अरे ये क्या हुआ, तुम्हें ये अभी बैठे बैठे ये कैसे याद आया? कहता है देखो तुम्हारी खूबसूरती देख के रोटियां भी जल रही हैं। आपके जोक से ना मुझे भी एक जोक याद आया। एक बार ना एक फ्रेंड उसके फ्रेंड से पूछता है यार तेरा बर्थडे कब आता है, मुझे तुझे कर्टन गिफ्ट करने है। तो बोलता है कर्टन गिफ्ट करने क्यों? तो बोलता है यार मैं बोर हो गया तुझको और तेरी बीवी को किस करते देख देख के। तो बोलता है अच्छा तेरा बर्थडे कब आता है? तो बोलता है कि क्यों? तो बोलता है मैं भी तुझे ना दूरबीन गिफ्ट करना चाहता हूँ ताकि तू देख सके अच्छे से कि वो किसकी बीवी है। एक बात है ना आशीष की, कितने जोक होते हैं ना पति पत्नी को लेकर, काफी हंसी मजाक होते हैं पति पत्नी को लेकर, कोई सीरियस कभी कोई नहीं होता। हाँ, सारी सीरियसनेस सिर्फ मेरे ख्याल से लव अफेयर तक होती है, जितनी शायरी बनती है सारी वो लव अफेयर तक ही बनती है, और जैसे ही शादी हो जाए उसके बाद सब कुछ जोक्स में कन्वर्ट हो जाता है। जी वेल, जो शादी से पहले तो शायरी पता नहीं काफी इतनी अच्छी अच्छी शायरी हमें पढ़ने को मिलती है, मैं सुनती भी हूँ कुमार मिश्रा की, मुझे इतनी अच्छी लगती है काफी शायरी तो उनकी। खैर काफी लोग मतलब जो शायरी जितनी भी होती है मुझे लगती है वो सारी शादी के पहले की होती है, शादी के बाद की कुछ नहीं होती कोई रोमांटिक शायरी वगैरह।
हाँ, शादी के बाद तो सिर्फ सब्जी तरकारी होके रह जाती है ना, शायरी का टाइम ही नहीं मिलता पति देव की लाने में और पत्नी की बनाने में। नहीं हाँ, हमारे हस्बैंड बोलते हैं कि पति तो हो जाता है चाय पत्ती शादी के बाद तो मजा तो सारी पत्नी ले जाती है Well, ये हंसी मजाक से तो मेरे ख्याल से आपके जो लाइफ है वो मजेदार बनी रहती है, ये नोक झोंक और हंसी मजाक तो चलता रहना चाहिए ताकि योर लाइफ रिमेन्स स्पाइस्ड अप, वरना तो बहुत ही बोरिंग हो जाएगी। हाँ ये तो सही बात है, लेकिन फिर भी जो भी शायर है मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी उनको, यार हमारे मतलब जो मैरिड लोग हैं उनके लिए भी कोई शायरी वायरी बनाओ, अच्छी रोमांटिक भी लाइफ होनी चाहिए। बिल्कुल जरूरी है, बहुत जरूरी है। देखो एटलीस्ट और किसी के लिए नहीं तो कैच योर मैच के लिए तो बनाएं ताकि हम कोई अच्छी शायरी पढ़ सकें शादीशुदा लोगों के लिए जी तो हम उम्मीद करते हैं जब हम अगला सेगमेंट लेके आएंगे अच्छी अच्छी शायरियों के साथ लेके आए। अभी हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारी अगली प्रोफाइल क्या है। अगली प्रोफाइल से पहले पढ़ते हैं कि अगला जोडियक कौन सा है जिनका की 2015 हम बताएंगे कि कैसा होने वाला है। ओके तो कोई नहीं, हम जोड़िक साइन की तरफ बढ़ते हैं। जी जरूर, तो मेरे पास जो अगला जोडियक है वो है कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न यानी मकर। तो मीनल जी कैसा होने वाला है मकर राशि वालों का नया साल? बहुत बेहतरीन होने वाला है 2000 साल हर एक राशि वालों के लिए हाँ वो तो है, अभी तक हमने जितनों का भी देखा सबका ये देखा कि या तो बहुत ही स्मूथ है या बहुत ही अच्छा है, तो सभी का ये अच्छा होने वाला है, ये तो आपने बिल्कुल सही बोला। तो आते हैं वापस मकर राशि पे, इनका कैसा होने वाला है? मेरे हिसाब से तो इनको अपने नए कपड़े और अच्छे बेस्ट कपड़े निकाल के रख लेने चाहिए, क्योंकि जितनी भी स्पॉटलाइट है वो सिर्फ इन पे होने वाली है। अगला साल दिल बी द हीरो ऑफ द ईयर। कहते हैं कि इस साल आपके लिए बहुत सारे शुभ कार्य का पिटारा भर के लाया है, अगर आप कुछ विशेष करने का सोच रहे हैं तो आपका प्रयास इस साल बिल्कुल रंग लाएगा। आपके जो काम है वो चमक के आगे आएंगे, मतलब आप जो भी काम करते हैं उसमें आपको पूरी पूरी सफलता मिलेगी और पूरा पूरा क्रेडिट भी मिलेगा उस काम को करने का। यश और धन दोनों मिलने के बहुत बहुत योग है और इसी योग के साथ 2015 में आपका स्वास्थ्य भी बहुत बेहतरीन रहेगा। जी जैसे कि होता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है, जैसे जैसे सक्सेस आता है उसके साथ आप पे बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी नहीं आएंगी जो कि आप बहुत अच्छे से हैंडल कर लेंगे। तो बहुत ज्यादा सक्सेस जब हो जाता है तो खुशी के मारे कई बार हम थोड़े केयरलेस हो जाते हैं, तो बस ये ध्यान रखना है कि हम केयरलेस ना हो जाएं। लव लाइफ को अगर देखें तो बिल्कुल एवरेज रहेगा, मतलब बेहतर भी हो सकता है, ये डिपेंड करते हैं कि आप मतलब किस तरीके का इस बार नेचर रखोगे अपना। तो इन्होंने बताया कि आपका जो लव लाइफ है वो बिल्कुल बेहतरीन रहेगी, लेकिन अगर आप जॉब या बिजनेस चेंज करने का सोच रहे हैं तो जॉब वाले के लिए तो काफी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन बिजनेस वालों को कहा है कि थोड़ा ध्यान से देख समझ के आप चेंज करिएगा बिजनेस। ये है कि अगर आप मेहनत करोगे बिजनेस चेंज करने में तो आपको सफलता भी मिलेगी। जी 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 बिल्कुल, अगर कोई भी नया वेंचर है, कुछ भी नया हो रहा है, तो आप बस साइड पे खड़े होकर उसको देखें मत, इस बार तो उसमें लग जाएं, उस काम में अपना हाथ डाल लें और आप देखेंगे कि आपको सफलता जरूर मिलेगी। वैसे तो आशीष कहते हैं कि छोटी कन्याएं जो होती हैं छोटी लड़कियां, उनको अगर हम मतलब उनका अगर हम ध्यान रखते हैं थोड़ा अच्छे से तो भगवान ज्यादा खुश होते हैं। तो कहते हैं कि अगर आप ऐसा करोगे तो आपके लिए पूरा साल और बेहतरीन होगा, स्ट्रेस के लिए भी काफी अपॉर्चुनिटीज है, तो ओवरऑल ये साल काफी अच्छा रहेगा। जी तो ये तो था मकर राशि वालों का रॉकिंग ईयर। तो अब हम चलते हैं अपनी आज की अगली प्रोफाइल पे जो कि है एक फीमेल कैंडिडेट की। अभी तक हमारे जो मेल फ्रेंड्स हैं वो सोच रहे होंगे कि आज क्या हो रहा है, एक भी फीमेल प्रोफाइल नहीं अभी तक आई है, तो आपका इंतजार खत्म हुआ और अब हम पढ़ रहे हैं आज की हमारी पहली फीमेल प्रोफाइल जिनकी एज है 30 इयर्स और डेट ऑफ बर्थ है 1 नवंबर 1984। इनका जो रिलीजन है वो हिंदू है और जो इनकी हाइट है वो है 5 feet 1 inch। ब्राह्मण कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं ये।
जी पहले कभी इनकी शादी नहीं हुई और जो स्टेट है ये तमिलनाडु को बिलोंग करती हैं। तमिलनाडु में भी पांडिचेरी सिटी से बिलोंग करती हैं। बहुत ही खूबसूरत जगह है, मेरे को एक बार मौका मिला है पांडिचेरी जाने का मीनल जी, बहुत ही खूबसूरत जगह है। इनका जो टाइम ऑफ बर्थ है वो है 9:45 PM और जो बर्थ लोकेशन है वो है कारेकल। स्किन टोन इन्होंने बताया है कि इनका स्किन टोन जो है वो है मॉडरेट जी, 58 kgs की हैं ये, तो इनका बॉडी टाइप जो है वो है एवरेज जी। ये विजुअली इम्पेयर है और लेस देन 60% इनकी डिसेबिलिटी है जी। इनकी मदर टंग तमिल है और ये सुब्रमण्यम कम्युनिटी को बिलोंग करती हैं। आर्ट्स में इन्होंने मास्टर्स किया है और ये एम्प्लॉयड भी हैं, मतलब कि ये जॉब भी करती हैं। तो लिसंस ये तो रही इनकी नॉर्मल प्रोफाइल, अब हम बढ़ते हैं इनके हॉबीज की तरफ और देखते हैं कि इन्हें क्या पसंद है। इनको इजी लिसनिंग यानी बहुत ही सूदिंग से गाने पसंद हैं सुनने में, और नॉवेल्स पढ़ने का भी शौक रखती हैं ये जी। मूवीज में इनको कॉमेडी मूवीज पसंद हैं। फॉर्मल कपड़े पहनना ज्यादा पसंद करती हैं जी। तो ये तो थे इनकी कुछ पसंद और नापसंद की बातें, अब देखते हैं कि इनको अपना पार्टनर कैसा चाहिए, इनको अपना जीवन साथी कैसा चाहिए। तो उनकी प्रेफरेंस देख लेते हैं, जो इन्होंने एज दी है वो एज ग्रुप इन्होंने मेंशन किया है 30 से 34, 5 फीट से 3 इंच के हाइट इन्होंने मेंशन की है। जो मैरिटल स्टेटस है वो नेवर मैरिड होना चाहिए और जो स्किन टोन है वो मॉडरेट भी चलेगा। बॉडी टाइप इन्होंने एवरेज कहा है और डिसेबिलिटी कहती है कि कोई भी रहेगा तो चलेगा जी, बस वो डिसेबिलिटी जो है वो लेस देन 70% होनी चाहिए। एजुकेशन फील्ड तो कोई भी चलेगा इन्होंने मेंशन नहीं किया, बस चाहती हैं कि वो भी सेटल रहे और उनकी 2 लाख to 4 लाख एनुअल इनकम होनी चाहिए जी। रिलीजन प्रेफरेंस में इन्होंने बताया है हिंदू और कम्युनिटी में ब्राह्मण, लेकिन ये चाहती हैं कि उनकी मदर टंग तमिल हो जी। जैसे कि हमने नोटिस किया था कि इनकी खुद की भी मदर टंग जो थी वो तमिल ही थी, पर कास्ट में इन्होंने कोई भी या कम्युनिटी में इन्होंने कोई भी प्रेफरेंस नहीं दी है, स्टेट तमिलनाडु ही हो तो अच्छा होगा जी। तो ये तो रही इनकी राशि, अब हम देखते हैं कि जोडिक साइन के हिसाब से इनका नेचर कैसा होगा जी। इनका भी वही जोडियक है जो हमने पिछली बार भी डिस्कस किया था इनफैक्ट, तो ये भी स्कॉर्पियो राशि को बिलोंग करती हैं, स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक। आज हमने इनका 2015 कैसा होगा वो भी पढ़ा है इसी राशि का जी हाँ। तो आपके लिए तो डबल गिफ्ट हो गया क्योंकि आज आपको ये भी पता लग गया कि 2015 आपके लिए बेहतरीन होगा। तो जैसे हमने कहा था कि सगाई के भी चांसेस है, तो मे बी आपकी सगाई हो जाए जी बिल्कुल। और जो इनका सिंबल है जैसे पहले भी हमने बताया कि वो एक स्कॉर्पियो है यानी बिच्छू, और ये बहुत ही पर्पसफुल होते हैं, बहुत ही ट्रांजिएंट होते हैं, बहुत ही जुझारू होते हैं, जो करने की ठान लेते हैं वो करके ही दम लेते हैं जी। तो ये जो पर्सनैलिटी होती है काफी बोल्ड होती है और कोई भी डिसीजन लेने में ये मतलब डरते नहीं है, इनको काफी कॉन्फिडेंट होता है अपने आप पर, तो सिचुएशन को मैनेज करने की ये इनमें काबिलियत भी होती है जी। बहुत ही ऑब्जर्वेंट होते हैं, चुपचाप रह के चीजों को ऑब्जर्व करते हैं और अपना काम चुपचाप से कर देते हैं। तो ये अगर कोई भी काम करते हैं तो बिल्कुल ऑनेस्टली और बिल्कुल दिल लगा के करते हैं, और अगर इनको लगता है कि कोई चैलेंज इनको दे रहा है तो बिल्कुल ऑनेस्टली उस चैलेंज को पूरा करने की ये कोशिश करते हैं जी। ये तो थी स्कॉर्पियो के बारे में कुछ जानकारी, जो स्कॉर्पियो राशि है उनके बारे में जानकारी। अब एक जल्दी से रिकैप ले लेते हैं इनकी प्रोफाइल का जी हाँ। इनकी एज है 30 इयर्स, ब्राह्मण कम्युनिटी से बिलोंग करती है, इनकी हाइट है 5 फीट 1 इंच, तमिलनाडु को बिलोंग करती हैं ये, इनकी जो कम्युनिटी है वो है सुब्रमण्यम, बॉडी टाइप एवरेज है, स्किन टोन मॉडरेट है इनका। अपने पार्टनर में जो इन्होंने प्रेफरेंस दी है वो ये दी है कि वो भी तमिल बोलते चाहिए क्योंकि ये खुद भी तमिल बोलती हैं, उसके अलावा वो भी ब्राह्मण कम्युनिटी को अगर बिलोंग करे तो अच्छा होगा। एज ग्रुप जो इन्होंने मेंशन किया है वो किया है 30 से लेके 34 इयर्स के बीच में।
तो चलिए ये थी आज की फर्स्ट फीमेल प्रोफाइल, मुझे उम्मीद है कि किसी न किसी को ये जरूर पसंद आएगी। तो हम हर शो में कहते हैं कि आप जरूर अंकित कपूर को कांटेक्ट करिए। अंकित कपूर जी की जो कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन है वो हम आपको अभी थोड़ी देर में देंगे। आप जा सकते हैं disabledmatrimonial.com पर भी उनको कांटेक्ट करने के लिए। तो मीनल जी, देखें अब अगला जोडियक जिसका कि हम देखना चाहते हैं कि अगला साल कैसा होगा, 2015 कैसा होगा। तो अब जो राशि है जो हम आपको बताने वाले हैं वो है कुंभ राशि। तो कुंभ राशि वाले अब ध्यान ला के सुनिएगा कि आपका 2015 कैसे रहेगा। जी, एक्वेरियंस के लिए ये लिखा है कि वो अपने जूते बांधने कस लें, क्योंकि हो सकता है थोड़ी सी मशक्कत करनी पड़े अगले साल में, थोड़ी सी मेहनत ज्यादा करनी पड़े अगले साल में। कहते हैं कि 2015 के लिए मिलना जुला सा परिणाम देगा। जो पहले 6 महीने हैं उसमें आपके फैमिली में मतलब नॉर्मल रहेगा, कोई ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन अगर कहीं कहीं ऐसे मतलब मोड़ आएंगे जहां पर अपने आप को सीनियर होने की पद निभानी पड़ेगी। जी, अपनी अंदर की आवाज यानी अपने मन की आवाज को जरूर सुने, जो आपका मन कहता है वो करें। बहुत ज्यादा रिलैक्स, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने गोल की तरफ बढ़ते रहें। हेल्थ को अगर हम देखते हैं तो आपको इस साल बिल्कुल ठीक ठाक रहेगा। शायद कोई कोर्ट कचहरी का केस अगर आपका चल रहा है तो उसमें थोड़ी बहुत टेंशन रहेगी, तो उसकी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप थोड़ी कोशिश करोगे तो उसमें आपको कामयाबी मिलने की आशंका है। जी, जो काम आपके थोड़े पेंडिंग चल रहे थे पिछले साल से यानी इस साल से 2014 से, आप देखेंगे कि उनमें कुछ प्रोग्रेस आएगी। आप हो सकता है कि उन कामों को पूरा कर सकें अगले साल में। अगर आप दान करने में विश्वास करो तो कहते हैं कि पीली चीज अगर आप दान करोगे तो आपके लिए ये साल और ज्यादा पूर्ण होने की संभावना है। तो ये तो रहा कुंभ राशि का 2015 का भविष्य, कि उनका भविष्य कैसे रहेगा। अब हम बस यही सिर्फ एक और आखिरी राशि वो हम पढ़ेंगे जरूर सभी के लिए, तो आपको जाना कहीं नहीं है, यही रहना है। हम आते हैं एक छोटे से ब्रेक के। रेडियो उड़ान की नई पेशकश एक मुलाकात। जी हाँ दोस्तों, तो रहिएगा ना बेखबर, क्योंकि इस प्रोग्राम में मैं अमित भट्ट रहूंगा आपका होस्ट, रहूंगा आपका हम सफर, और हमसे रूबरू होगी एक नई पर्सनैलिटी, एक नई शख्सियत हमारे हर एक प्रोग्राम में। हर शुक्रवार रात 9-10 एक मुलाकात सिर्फ और सिर्फ आपके अपने रेडियो रेडियो उड़ान पर। कोई दुख न हो, कोई गम न हो, कोई आंख किसी की नम न हो। कोई दुख न हो, कोई गम न हो, कोई आंख किसी की नम न हो। कोई दिल किसी का तोड़े ना, कोई साथ किसी का छोड़े ना। कोई दिल किसी का तोड़े ना, कोई साथ किसी का छोड़े ना। बस प्यार का दरिया ही बहता हो, काश 2015 ऐसा हो। जी हाँ फ्रेंड्स, इसी हैप्पी न्यू ईयर विश के साथ मैं आपका स्वागत करती हूँ एक बार फिर हमारे आपके अपने शो में, जिसका नाम है कैच योर मैच। बिल्कुल मीनल जी, हम बिल्कुल यही चाहेंगे अपने सभी लिसनर्स के लिए कि उनका 2015 बहुत ही अच्छा हो, बहुत ही फैंटास्टिक हो, ताकि वो पूरा साल हमें सुनते रहें, हमारे साथ जुड़ते रहें शाम को 7-11 बजे तक, और अगर कभी गलती से मिस कर दें तो अगले दिन रिपीट टेलीकास्ट में जरूर हमारे शो सुनते रहें। जी हाँ, और हम चाहेंगे कि आज ये हमारा शो लास्ट है, लेकिन हम विश करेंगे कि दोबारा जब हम नया सेगमेंट लेके आए तो आप लोग ये शो अपने लिए नहीं, अपने फ्रेंड्स या अपने रिश्तेदार के लिए सुने। वेल, अब हम बात करते हैं आशीष, आज के जो अभी तक हमने बात की थी पुराने रिचुअल्स की, क्यों ना हम बात करें कोई नए रिचुअल्स की, मतलब जो आजकल ट्रेंड चल रहा है शादियों में। मीनल जी, अगर मैं यहाँ नॉर्थ की बात करूँ तो ऐसी ऐसी चीजें देखने को मिल रही हैं आजकल शादियों में,
जो ना पहले कभी सुनी थी ना कभी सोची थी। इनफैक्ट मैं आपको कुछ शेयर करता हूँ। यहाँ पे आजकल एक नया ट्रेंड है कि जो लड़की है, पहले क्या होता था कि दुल्हन जब आती थी जयमाला के लिए तो खुद ही आती थी पैदल चल के, और भाइयों ने उसके ऊपर फूलों की छांव कर रखी होती थी और वो स्टेज तक आती थी। पर आजकल यहाँ पे नया कंसेप्ट क्या है कि उसको एक एक पालकी में बिठा के क्रेन से उतारा जाता है, उसको एक बहुत बड़ी क्रेन के साथ उसको उस पालकी को उठाया जाता है, लिफ्ट किया जाता है, और उसको दूर से वो आके स्टेज पे उसकी पालकी को उतारा जाता है। जी हाँ, और यहाँ पर भी काफी हमें नए इसी तरीके के सिस्टम देखे जाते हैं। हमने अभी देखा था कुछ दिनों पहले, कमल का फूल एक बनाया होता है बॉल टाइप्स का, उसके अंदर दूल्हा दुल्हन दोनों खड़े होते हैं लेकिन हमें नजर नहीं आता, उसको धीरे से उस फूल को नीचे जमीन पे उतारा जाता है काफी हाइट से, मतलब करीब करीब 15 फीट 20 फीट की हाइट से, और फिर वो जब नीचे स्टेज पे टच करता है तो एकदम से कमल का फूल खिलता है और उसमें से काफी रोशनी, फूलों की बरसात, डिस्को लाइट्स होती है, और उसके अंदर दूल्हा दुल्हन खड़े होते हैं और इस तरीके से मतलब उन्हें स्टेज तक लाया जाता है। काफी नए नए तरीके से आजकल दूल्हा और दुल्हन को स्टेज पे लाया जाता है, पहले ऐसा बिल्कुल नहीं था। हमने देखा था कि जैसे जब राजा महाराजाओं की शादी हुआ करती थी या पहले के टाइम में छतरियों के नीचे या फूल की छांव के नीचे दूल्हा दुल्हन को लाया जाता था, लेकिन आजकल काफी नए नए तरीके से अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरीके से दूल्हा दुल्हन को स्टेज तक पहुंचाया जाता है। जी, पहुंचाने की ही बात नहीं है मीनल जी, यहाँ तो ऐसा हो गया है कि स्टेज इन इटसेल्फ अपने आप में ही एक बहुत बड़ी चीज हो जाती है। जब जयमाला के लिए लड़का लड़की स्टेज पे खड़े होते हैं तो एकदम स्टेज जो है वो ऊपर उठ जाती है, हाइड्रोलिक होती है बेसिकली, तो वो ऊपर उठ जाती है करीब 5-6 फीट ऊपर हो जाती है और घूमने लगती है और चारों तरफ से फूलों की बारिश होने लगती है। जी जी जी, अनोखे अनोखे तरीके हो गए हैं आजकल लोगों के, एक्चुअली एक मेमोरी बना लेते हैं वो आगे जाके अपने परिवार के, अपने बच्चों के साथ शेयर करने के लिए। हाँ वो तो है, काफी चीजें इसके अलावा भी काफी नई नई चीजें भी आजकल ऐड हो गई है, जैसे कि हमने देखा कि आजकल शादियों से पहले जो फंक्शंस होते हैं उसमें टैटूज वाले होते हैं, मेहंदी वाला वही होता है आजकल, मतलब जो हम देखते हैं ज्यादातर मॉल्स वगैरह में होता है या फिर कहीं जहाँ हम घूमने जाते हैं वैसे प्लेसेस पे होता है, लेकिन आजकल शादियों में भी ये ट्रेंड हो गया, गेम्स खिलाने का आजकल नया नया ट्रेंड हो गया, तो काफी नए नए रूल्स आजकल जैसे जैसे दिन ब दिन यंगस्टर की चॉइस बढ़ती जा रही है उनके हिसाब से शादियां भी आजकल अलग अलग तरीके से की जा रही है नए तरीके से। जी जी, शादी कम और थोड़ा मेला जैसा ज्यादा हो गया, जो चीजें अक्सर हमें मेले में देखने को मिलती थी वो अब शादियों में देखने को मिलती हैं। पर इसी के साथ एक बात ये भी है कि सादगी से की गई शादी भी कोई बुरी नहीं है मेरे हिसाब से, अगर आप बहुत सादगी से बहुत ही बिना खर्चे के कम खर्चे के करते हैं तो वो भी उतना ही अच्छा है, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है दो परिवारों का और दो इंसानों का मिलना, ये सब तो बाकी सब तो अपनी मर्जी है और इतना ज्यादा मैटर नहीं करता। हाँ ये तो है, लेकिन बस कहने का तात्पर्य इतना है कि किसी भी तरीके से करो, चाहे सादगी से करो चाहे धूम धड़ाके से करो, लेकिन शादियों का माहौल होता ही एंजॉय करने के लिए, हम यही हमारे लेसन से कहना चाहते थे। देखो हर एक का अपना अपना पसंद होता है तो कोई किसी भी तरीके से करे, बस शादी एक ऐसा सेरेमनी है जहाँ पर कोई भी बंदा अपने आप को मतलब एंजॉय करने से हटा नहीं सकता पीछे। सिंस आप शायरी सुना रही हैं मीनल जी, तो मुझे भी एक जबरदस्त वाली शायरी याद आई है। ओहो सुनाइए सुनाइए इरशाद। तो अर्ज किया है, बैठ के महबूबा की गोद में, बैठ के महबूबा की गोद में ऐसा जोश आया। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा। बैठ के महबूबा की गोद में ऐसा जोश आया। बैठ के महबूबा की गोद में ऐसा जोश आया। आगे भी तो बढ़ो, यहीं पे बैठे रहोगे क्या? आगे क्या था, बीवी ने देख लिया और सीधा आईसीयू में होश आया। वेल बहुत अच्छा। चलो इसी से मुझे भी एक सवाल याद आया, ये बताओ कि ऐसी कौन सी चीज है जो लड़कियां पहनती हैं बट खाती नहीं है और लड़के खाते हैं बट पहनते नहीं है? लड़कों का दिमाग ज्यादा खाती है वैसे तो, पर लड़कियां खाती नहीं है ना, लड़कियां पहनती हैं। बताइए। क्या खाते हैं लड़के ज्यादातर, लड़के
लड़के सैंडल ही खाते हैं लड़कियों की। वेल अब हम आगे बढ़ते हैं, ऐसी ही बातें हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अब अपनी अगली जोडियाक साइन पे, और ये होगा आखिरी जोडियाक, और मेरे पास जो आखिरी राशि है वो है पाइसेस। पाइसेस यानी मीन, मीन राशि जो कि हमने पहले डिस्कस भी की थी। तो मैं बता दूं कि जैसा इनका नेचर है बिल्कुल शांत, तो वैसा ही इनका पूरा साल रहेगा। फैमिली को लेके काफी बेहतरीन रहने की संभावना है। 2015 में आप पे बहुत सारे डिमांड्स नहीं आने वाले हैं, बहुत सारा नई चीजें, बहुत सारे नए चैलेंजेस आप फेस करेंगे, जिनको कि आप बहुत ही आराम से, बहुत ही शांति से, जैसे कि मीनल जी ने कहा, पार भी कर लेंगे। कहते हैं कि अगर लव लाइफ को देखें तो लव लाइफ तो आपकी बहुत बेहतरीन रहेगी, लेकिन जो मैरिज लाइफ है उसमें आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, यानी कि थोड़ा बहुत नोकझोंक रहेगा, तो आपको थोड़ी समझदारी से उसमें काम लेना पड़ेगा। शायद थोड़े से प्यार और विश्वास की आपको ज्यादा जरूरत पड़ेगी। जी कहीं कहीं बीच में आप थोड़ा सा टाल मटोल करने की कोशिश करेंगे, चीजों को थोड़ा सा टालने की कोशिश करेंगे कि आज नहीं कल कर लेता हूं, बट ऐसा मत कीजिएगा। जो काम है उसको जल्दी से खत्म कीजिएगा, क्योंकि उसका रिजल्ट बहुत अच्छा होने वाला है। आपको लगेगा कि आज के लिए टाल दूं, बट अगर आप काम खत्म करेंगे तो आप देखेंगे कि रिजल्ट बहुत तेज मिलेगा आपको। हेल्थ को अगर देखा जाए तो आपका हेल्थ काफी ठीक रहेगा, बस एक एडवाइस दिया उन्होंने कि अगर आप हो सके तो थोड़ा व्हीकल अगर आप चलाते हो या चलाती हो तो थोड़ा उसमें आप ध्यान रखें, बाकी ओवरऑल आपकी काफी ठीक रहेगी। और शिक्षा के लिए भी अगर हम देखते हैं तो काफी बेहतरीन बताया है इन्होंने। जी साल का खत्म होते होते तक आप देखेंगे कि थोड़ा थोड़ा चेंज आने लग जाएगा। जैसे साल के शुरू में आपके लिए थोड़ा सा टफ होगा, चैलेंजिंग होगा, नए नए काम आपके सामने आ रहे होंगे, साल का एंड होते होते तक जो आपने मेहनत साल के शुरू में की होगी उसका रिजल्ट आपको दिखने लग जाएगा। जी हाँ, तो कहते हैं अगर आप दान पुण्य में विश्वास करते हो तो मंदिर में थोड़े से चावल या गुड़ यानी कि दाल आपकी अपनी संभावना के हिसाब से अगर आप चढ़ाओगे तो इससे आपके हेल्थ में और एजुकेशन में आपको काफी इम्प्रूवमेंट नजर आएगी। वाह, तो ये था पाइसेस का 2015 की, पाइसेस राशि वालों का 2015 कैसे होने वाला है। तो अब चलते हैं आज की हमारी लास्ट प्रोफाइल की तरफ, जो कि है एक मेल कैंडिडेट की। मीनल जी किसकी प्रोफाइल पढ़ रही हैं आज? आज हम प्रोफाइल पढ़ रहे हैं जो कि आज के शो की और आज के पूरे सेगमेंट की आखिरी प्रोफाइल होगी, जो कि है मेल की। इनकी एज है 30 इयर्स और डेट ऑफ बर्थ है 10th March 1984। हिंदू कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, हिंदू रिलीजन को बिलोंग करते हैं ये, और इनकी जो हाइट है वो है 4 feet 6 inches। मारवाड़ी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं ये, और मैरिटल स्टेटस में इन्होंने बताया है कि नेवर मैरिड है ये। जी वेस्ट बंगाल को बिलोंग करते हैं और जो सिटी है वो है कोलकाता। बर्थ टाइम इन्होंने बताया है मिडनाइट 1:53 PM और लोकेशन इन्होंने बताई है कलकत्ता। जी और इनका जो स्किन टोन है वो फेयर है और बॉडी टाइप एवरेज है। वेट इनका अराउंड 50 kgs है। विजुअली हैंडीकैप इन्होंने बताया है और इनकी जो डिसेबिलिटी है वो है 100%। जी जो ये कास्ट लिखते हैं वो लिखते हैं अग्रवाल, और जो इनकी मदर टंग है वो हिंदी है। लॉ में इन्होंने बैचलर्स किया है एजुकेशन फील्ड के अंदर, और ये गवर्नमेंट जॉब में है। तो ये तो थी इनकी बेसिक प्रोफाइल, अब देखते हैं कि इनके इंटरेस्ट और हॉबीज कैसी हैं। इजी लिसनिंग, गाने सुनना इनको ज्यादा पसंद है। जी किताबें पढ़ते हैं, और जो मूवीज हैं वो इनको सस्पेंस मूवीज देखना पसंद है। स्पोर्ट्स और फिटनेस एक्टिविटीज को अगर हम देखते हैं तो ये जिम वगैरह में जाते हैं, फुल फिट एंड फाइन रहना पसंद करते हैं। तो ये थी इनकी प्रोफाइल और इनकी हॉबीज। अब नजर मारते हैं इनकी पार्टनर प्रेफरेंस पे। जो एज इन्होंने बताई है वो है 25 से 35 इयर्स। मैरिटल स्टेटस इन्होंने मेंशन किया है नेवर मैरिड, और जो इन्होंने बॉडी टाइप मेंशन किया है वो किया है एवरेज। जैसे कि आशीष इन्होंने अपनी हाइट बताई है 4 feet 6 inches, तो इसी हाइट के आसपास की लड़की ये प्रेफर करेंगे, मतलब की वो ये 2-3 inches आगे या पीछे, थोड़ी लंबी होगी तो भी इनको चलेगा। जी स्किन टोन इन्होंने मेंशन किया है मॉडरेट,
कोई भी डिसेबिलिटी इन्होंने मेंशन नहीं की, बस ये चाहते हैं कि लेस देन 80% उनकी डिसेबिलिटी होनी चाहिए। जी, एजुकेशन में भी कोई खास प्रेफरेंस इन्होंने नहीं दी है, बट अगर वो काम करती हैं तो बेहतर होगा। और जो इन्होंने सैलरी ब्रैकेट उनका बोला है वो बताया है 3-5 लाख के बीच में। चाहते हैं कि अगर हिंदू रिलीजन से बिलोंग करे और बॉडी में ये कहते हैं कि 50 kg के आसपास होनी चाहिए लड़की। जी, कम्युनिटी मारवाड़ी ही प्रेफर करेंगे और मदर टंग हिंदी। और अगर लड़की वेस्ट बंगाल से होगी तो ज्यादा अच्छा होगा। जी हाँ, वेस्ट बंगाल कोलकाता के आसपास से ही, क्योंकि कल्चरली थोड़ा सा सिमिलर हो जाता है, थोड़ा सा कंपैटिबिलिटी आसान हो जाती है। जी हाँ, तो ये तो थी इनकी पार्टनर प्रेफरेंस। अब नजर मार लेते हैं एक जल्दी से इनके जोडियक सिंबल पे और इनके कैरेक्टरिस्टिक्स पे इनके जोडियक सिंबल के। और एक बहुत बेहतरीन बात है क्योंकि ये खुद भी मीन राशि से बिलोंग करते हैं और अभी ही हमने मीन राशि का 2015 कैसे होगा ये बताया था, तो इनको डबल बेनिफिट हो जाएगा। जी बिल्कुल, पाइसेस को बिलोंग करते हैं ये। पाइसेस का जोडियक सिंबल है फिश यानी मछली, और जैसे हमने पहले भी मेंशन किया है कि बहुत ही इजी गोइंग लोग होते हैं, पानी के बहाव के साथ जाते हैं, कोई कन्फ्रंटेशन नहीं करते हैं, कैसी भी सिचुएशन हो उसमें अपने आप को ढाल लेते हैं। ये लोग बहुत ज्यादा ऑनेस्ट होते हैं, थोड़े बहुत सेल्फिश भी होते हैं और बिल्कुल ट्रस्टवर्दी होते हैं। जी बिल्कुल, अनअज्यूमिंग होते हैं, बहुत ही इजी गोइंग, और जो भी काम करना होता है वो चुपचाप कर डालते हैं, अपना गोल की तरफ नजर रखते हैं और उसको पूरा कर देते हैं, बहुत ही सच्चे दोस्त होते हैं। तो ये थी आज की हमारी आखिरी प्रोफाइल। मीनल जी, एक फटाफट से रिकैप ले लें इस प्रोफाइल का। जी हाँ बिल्कुल, इनकी एज है 30, रिलीजन हिंदू है, मारवाड़ी ये घर में बोलते हैं और इनकी जो कास्ट है वो है अग्रवाल। जी हिंदी लैंग्वेज बोलते हैं, वेस्ट बंगाल में कोलकाता को बिलोंग करते हैं। लॉ इन्होंने की है, बैचलर्स डिग्री है इनकी लॉ में, और ये अभी एक गवर्नमेंट जॉब में भी है। और जो इन्होंने अपने पार्टनर प्रेफरेंस में बताया है वो है, इन्होंने प्रेफर किया है कि 25-35 इयर्स तक की एज लड़की की होनी चाहिए। हाइट कोई खास इन्होंने मेंशन नहीं की, 4'6" इनकी खुद की हाइट है, तो उसके आसपास की हाइटेड लड़की इनको चलेगी। एजुकेशन फील्ड में इन्होंने कोई खास मेंशन नहीं किया। जी ये जरूर बोला है कि अगर वो अग्रवाल कम्युनिटी से ही बिलोंग करती हूँ और कोलकाता को बिलोंग करती हूँ तो अच्छा होगा। जी तो ये तो होगी आज की सारी प्रोफाइल्स। जी बिल्कुल, आज की नहीं, ये कैच और मैच की आखिरी प्रोफाइल थी मीनल जी, इस सीजन की कैच और मैच के आखिरी प्रोफाइल थी ये। जी हाँ, आज का जो ये शो है ये कैच और मैच का आखिरी शो है। एक छोटा सा प्रयास रेडियो उडान ने किया था और हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये जरूर अच्छा लगा होगा। ऑनेस्टली अगर हम कहें तो हमने काफी इंजॉय किया और हमें थोड़ा सा दुख भी है क्योंकि आज ये हमारा आखिरी शो है, अगले संडे हम आपको नहीं मिलेंगे। वेल, आपको ये शो कैसे लगा आप हमें जरूर बताइएगा। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा फीडबैक दिया, बहुत सराहा आपने इस शो को, जिसके लिए हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। ऐसा है कि हम आपको इस शो में नहीं बट दूसरे शोज में जरूर मिलते रहेंगे, और कैच और मैच का एक और नया सीजन भी हो सकता है जल्दी हम आपके लिए लेके आए, तो जरूर हमें फीडबैक दें। आपके फीडबैक से हमारे को इनकरेजमेंट भी मिलती है और इम्प्रूवमेंट के लिए आइडियाज भी आते हैं। और अगर इन चारों शो में आपको कोई प्रोफाइल अच्छी लगी तो आप हमें मेल कर सकते हैं, बाद में भी आपका जब भी आप सुनो और जब भी आपको लगे कि आपको मेल करना चाहिए तो आप जरूर हमें मेल करिएगा। अंकित कपूर से भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं या डिसेबल मैट्रिमोनी की वेबसाइट पे जाकर भी आप अपने व्यूज बता सकते हैं। तो मीनल जी, हमारे लिए ये एक मौका है अपने लिसनर्स को हैप्पी न्यू ईयर विश करने का भी। आज 28 दिसंबर हो गई है, वी वुड लाइक टू विश आवर लिसनर्स अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर 2015। जी हाँ, हम गुड बाय कहते हैं 2014 को और वेरी वार्म वेलकम करते हैं 2015 का, और होप करते हैं कि आप सभी का न्यू ईयर बहुत अच्छे से गुजरे। वेल, हम जाते जाते एक इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहेंगे कि नए साल में हम आपके लिए लाए हैं एक तोहफा, सबसे मिलने का एक मौका, तो हम चाहेंगे कि आप जरूर हमारी कन्वेंशन अटेंड करें जो कि है 31 जनवरी को नई दिल्ली में। तो आप लोगों को हम जरूर मिलना चाहेंगे
31 जनवरी को नई दिल्ली में। अगर आप डिटेल्स लेना चाहते हैं कन्वेंशन की तो हमारी साइट यानी radioudaan.com पे जाकर कंप्लीट डिटेल्स ले सकते हैं। और अब कैच और मैच समेत जितने भी हमारे शोज हैं उनको आप सुन सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर भी। Well listeners, so thank you so much for your love and support and this is your RJ Ashish and this is Meena Singhvi. Aap sabhi se ab lete hain hum vida and ummeed karte hain ki bahut jald hum aayenge aapke liye ek dusra naya segment ya naya show leke. Tab tak ke liye friends, goodbye. Keep listening.